मुझे फोन कॉल करते हैं, मैं आप जैसे लोगों को सिर्फ गोबर बाग मांगता हूं, अंधभक्त मांगता हूं, जो नशे में आके किसी को नंबर पे भी कॉल करते हैं। आप जैसों के लिए मैं एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं, इस क्लिप को जरूर सुनिए और उसके बाद मैं एक वीडियो में राजा सिंह और बाकी तमाम ऐसे आतंकवादी हैं उनके लिए पैगाम दे दूंगा। अरे रुकिए, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं, रुकिए आप, मारो मैं ऊपर वाले की कसम। पर सुन लो शुगर, सुन लो गोबर की बात को, सुन लो, हमारे लिए गोबर बहुत पवित्र होता है। खा लिया कर यार ब्रेकफास्ट में, ये बढ़िया था गुरु। हाँ बिल्कुल 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 खाएंगे शुगर तुम्हारे, तुमको इसके जो गृह मंत्री है वो आपको भी गृह मंत्री साफ करना सीखे पहले, इस पे जो बिहार का गोबर है इसको जेल में डालें। रुकिए, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं आतंकवादी, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्या करूं, इसको हटाओ टीवी से फिर अच्छा लगता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप इसको रुकिए, कई जगहों पर 144 लगा दी गई है। दो दिन पहले रामनवमी था, हिंदुओं का त्यौहार था, आखिर कैसे ये दंगे बढ़े, कैसे ये फसाद हो रहे हैं, क्यों हर साल रामनवमी के दिन दंगे फसाद होते हैं, लाठी चार्ज होते हैं, पथराव होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जो मुझे पता चला है और जिस तरीके के साथ हम सोशल मीडिया को देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि जब भी रामनवमी का के जुलूस निकलते हैं मस्जिदों की तरफ, ये लोग जाते हैं भगवा ब्रिगेड वाले, ये अंधभक्त मस्जिदों की तरफ जाते हैं और मस्जिद के ऊपर जाके भगवा झंडा लहराते हैं, मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करते हैं, फिर रिएक्शन में मुसलमान वहाँ से बाहर आता है और मुसलमान इनको रोकने की कोशिश करता है, ये पथराव करते हैं, गालियाँ देते हैं, अल्लाह को गालियाँ देते हैं, नबी करीम सल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उसमें क्या होता है कि लाठी चार्ज, बीच पुलिस आती है और पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करती, उल्टा मुसलमानों के ऊपर ही लाठी चार्ज करती है, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे फसाद जैसी कोशिशें होती हैं। और ये जो आतंकवादी लोग होते हैं जो मस्जिद की तरफ जाते हैं, ये जो अंधभक्त, ये जो गोबर भक्त होते हैं, ये मस्जिद की तरफ जाके जानबूझ के उकसाते हैं मुसलमानों को, मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करते हैं, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराते हैं, और उसके बाद अगर एक्शन में रिएक्शन मुसलमान करता है तो फिर नेशनल मीडिया, ये तमाम सो कॉल्ड पॉलिटिकल लोग और ये पुलिस वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर केस बुक करते हैं, NSA मुसलमानों को लगाते हैं और मुसलमानों को फिर आतंकवादी बोलने लग जाते हैं। तो क्या राजा सिंह जैसे लोग जो शरेआम मस्जिद के बाहर खड़े होकर ये कह देते हैं कि हम मस्जिद को शहीद करेंगे, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और राम मंदिर बनाया, हम अब काशी को भी, हम अब मथुरा को भी, हम मंदिर मस्जिदों को शहीद करके अब वहाँ भी हम मंदिर बनाएंगे, ऐसे राजा सिंह जैसे लोग जो उकसाते हैं भीड़ को और फिर उकसा के मस्जिदों की तरफ उनको मूव कराते हैं और मस्जिदों के ऊपर लोग जाके भगवा झंडा लहराते हैं, फिर एक्शन में रिएक्शन में अगर मुसलमान वहाँ से रोकने की कोशिश करता है, उस रोकने की कोशिश में कहीं पथराव हो जाता है तो फिर मुसलमानों को ही विलन बनाया जाता है, मुसलमानों को ही कहा जाता है कि ये आतंकवादी हैं, ये फसादी हैं, ये पथराव करते हैं। भाई आप क्यों जा रहे हो मस्जिदों की तरफ, आप क्यों जाते हो दरगाहों और मज़ारों की तरफ, आप क्यों जाते हो मुसलमान बस्तियों की तरफ तोड़फोड़ करने के लिए, तो फिर तो आपको एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। अब ऐसे माहौल में मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ, पूरे भारत को कह देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो या अलग अलग उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों की रियासतों की सरकार हो, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे गुंडों को, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे अंधभक्तों को जेलों के अंदर रखिए, ये बाहर रहने के काबिल नहीं है, बाहर की सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये लोग इनकी असली जगह जो जेलों में है, क्योंकि ये शराब पीते हैं, बदमाशी करते हैं और फिर हिंदू मुसलमान करते हैं और भारत में ये सेकुलरिज्म को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में होना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर से बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक इनकी मेंटेलिटी ठीक नहीं होती या दिमागी तौर से ये लोग ठीक नहीं होते, तब तक ऐसे तमाम आतंकवादियों को, तमाम भगवा ब्रिगेड वालों को, तमाम गोबर भक्तों को, तमाम अंधभक्तों को अंदर जेल में रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। फ़ोन कॉल करने वालों के लिए एक बार फिर कह देता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना बोलूँगा जो मुझे कॉल करते हैं गोबर भक्त और अंधभक्त इस